प्रश्न है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हम आपको बताए थे एत्रेय ब्राह्मण में, कहाँ मिलता है? एत्रेय ब्राह्मण में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए थ्योरी पार्ट पढ़ने से ये फायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव तुरंत बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है अशोक के शिलालेख में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख में या समुद्रगुप्त के शिलालेख में? तो कहाँ होता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। हम आपको बताए थे झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? पलामू में, राजमहल में, सिंहभूम में या रांची में? क्या आंसर देंगे? तो आंसर हो जाएगा सिंहभूम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको बताए थे सिंहभूम में ही 1761 ईस्वी में ये आए हुए थे। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसी समय ही हमारा ये आया था। ठीक है, कहाँ पर है तो देखिए 1761 सिंहभूम, यहाँ पर आप देखेंगे तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम में 1761 ईस्वी में। हर एक पॉइंट से प्रश्न बन रहा है। एत्रेय ब्राह्मण में पूर्ण नाम से था ये पढ़े हम लोग अभी, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण मिला, फिर देखिए प्रथम जनजातीय विद्रोह की चर्चा आप करेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो प्रथम का, झारखंड का जो प्रथम जनजातीय विद्रोह था वो कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह नहीं था, मुंडा विद्रोह भी नहीं था, चुआर विद्रोह भी नहीं था, ये कौन सा विद्रोह था? ढाल विद्रोह था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो 10 वर्षों तक चला था, 1767 से 1777 तक चला था, ये 10 वर्ष तक चला था, 1767 से 1777। ठीक है, आगे, अंग्रेज के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह क्या था? तिलका विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ढाल विद्रोह या चेरो विद्रोह? क्या आंसर देंगे? तो ढाल विद्रोह आपका था, अंग्रेज के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन था? झारखंड का प्रथम सुसंगठित, तो बिरसा विद्रोह, कोल विद्रोह, तिलका विद्रोह या चुवार विद्रोह? तो कोल विद्रोह जो था ना, ये हमारा सुसंगठित था, और बुधू भगत, इसके नायक जो थे वो बुधू भगत जी थे। ठीक है, फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था? पिठोरिया रांची से नहीं हुआ था, शिकारी पाड़ा दुमका से नहीं हुआ था, पांकी मेदिनीनगर से नहीं हुआ था, ये हुआ था रोहिणी देवघर से। हम आपको पढ़ाए थे थ्योरी पार्ट में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था? रोहिणी देवघर से हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? बिरसा मुंडा द्वारा, तिलका मांझी, जयपाल सिंह या शिबू सोरेन? तो आंसर देंगे आप, जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही आंसर है, जयपाल सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बाबूलाल मरांडी नहीं थे, एम रामा जोश नहीं थे, मधु कोड़ा? बिल्कुल सही प्रश्न आंसर है, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो क्या आंसर देंगे आप लोग? मधु कोड़ा। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड की प्रथम, झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है? देखिए महिला मंत्री का नाम की चर्चा है, जोबा मांझी, नीरा यादव, पद्मा सेन या लुईस मरांडी? तो हम आपको बताए थे जोबा मांझी। ठीक है, कौन है? जोबा मांझी। ठीक, अगला, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य महिला आयोग का कौन था? लक्ष्मी सिंह, मीरा यादव, हेमलता मोहन या लुईस मरांडी? तो आंसर होगा लक्ष्मी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? लक्ष्मी सिंह है।
अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जुएल लकड़ा, अल्बर्ट एक्का, बुधू भगत, रणधीर वर्मा। क्या आंसर देंगे? तो आंसर होगा अल्बर्ट एक्का। इन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे, अल्बर्ट एक्का। फिर झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? अशोक चक्र किसने पाया था? तो बुधू भगत ने नहीं पाया था, और अल्बर्ट एक्का ने परमवीर चक्र पाया, तो ये तो अब आएगा नहीं अशोक चक्र में, ठीक है। रणधीर वर्मा नहीं था, तो कौन था? जुएल लकड़ा। कौन है? रणधीर वर्मा है ना। हम भी लग रहा है मिस्टेक कर रहे हैं, ये प्रश्न मिस्टेक हो रहा है, अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मिट का नेरा भाई। हाँ देखो, झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था रणधीर वर्मा, ठीक है, रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का जो नाम था वो था सावित्री पूर्ति। क्या नाम था? सावित्री पूर्ति। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है, ठीक है, कौन है? दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, निक्की प्रधान या आश्रिता लकड़ा? तो आंसर होगा निक्की प्रधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला था? तो निक्की प्रधान था हॉकी खिलाड़ी, महिला में पहली हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला था। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट का नाम क्या है? प्रेमलता अग्रवाल, उसके बाद है आश्रिता लकड़ा, विजय नीलमणि खलको या कोमालिका बारी? क्या आंसर देंगे? तो आंसर होगा कि झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट का नाम है विजय नीलमणि खलको। अगला प्रश्न आपका है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो एवरेस्ट पर जो चढ़ाता झारखंड की प्रथम महिला का नाम था, क्या था बताओ? प्रेमलता अग्रवाल। सही है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, कहाँ तक हुआ? 17 तक, तो 18 क्वेश्चन कहाँ गए हम लोग? एक मिनट, 18 क्वेश्चन लाने दो। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीप सेन गुप्ता। दिलीप तिर्की नहीं था, नीरज मिश्रा नहीं था, विनय बोहरा नहीं था। क्या नाम था? दीप सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के उस प्रथम क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था। कितने हजार का? 1000 का। तिलका मांझी? बिल्कुल नहीं। बिरसा मुंडा? नहीं। सिद्धू मुर्मू? नहीं। तो ये लगा था बुधू भगत के लिए, ठीक है। और ये कोल विद्रोह के नायक थे, कोल विद्रोह के नायक थे बुधू भगत, और इन्हीं को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो देखो, डेली प्रेस तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी नाम अंग्रेजी मासिक होगा, ठीक है। तो हिंदी मासिक जो था, हिंदी हर घर में लोग पढ़ेगा हिंदी, तो घर बंधु। क्या आंसर हो जाएगा? घर बंधु। तो कैसे याद रखोगे? हिंदी मासिक, प्रथम हिंदी मासिक हर घर में पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो? हिंदी मासिक पहुंचा दो, तो घर बंधु आंसर हो जाएगा, है ना, आसान। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है बताओ? घर बंधु, आर्यावर्त, डेली प्रेस, राष्ट्रीय भाषा। क्या आंसर देंगे?
तो राष्ट्रीय भाषा देख लो, प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा, प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु, प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा। दैनिक 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 मतलब डेली, यानी कि रोज प्रतिदिन, और महीने में आता था घर बंधु। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य क्या प्रथम, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ये बताए थे इंग्लिश नाम वाला डेली प्रेस, हर दिन दे रहा है, प्रथम दैनिक, दैनिक मना डेली ही होता है, डेली प्रेस। ठीक है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी वाला नाम ले लेंगे, डेली प्रेस। ठीक, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? घरबंधु, राष्ट्रीय भाषा, आर्यावर्त या डेली प्रेस? तो देखो, राष्ट्रीय भाषा हमारा क्या था, अभी जस्ट आपको पढ़ाए राष्ट्रीय भाषा, देखो यहाँ पे है दैनिक पत्रिका, और यहाँ पर आपको बोला है साप्ताहिक, तो साप्ताहिक क्या होना चाहिए? आर्यावर्त होना चाहिए, सही है। तो झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? आर्यावर्त। जब आप पढ़ लिए हो घर बंधु, घर बंधु कौन सा पत्रिका था, अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे घर बंधु, देखो ध्यान से यहाँ पे, प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका था, प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका। उसी तरह से प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा था, अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम डेली प्रेस था, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम आर्यावर्त। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम आर्यावर्त, साप्ताहिक पत्रिका। झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या आंसर देंगे? प्रथम फिल्म का नाम क्या था यहाँ पे? आक्रांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछना आएगा कि झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम क्या है, तो आक्रांत। झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या है? सोनाकर नागपुर, यही था। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, संज्ञा नहीं है, सांवली नहीं है, तेरे नाम नहीं है, तोरे नाम। ठीक है, एक होता है तेरे नाम, सलमान खान वाला पगला जाता है जो, तो यहाँ होगा सोनाकर नागपुर। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या है, बताओ? चिट्ठी रका सकम, चांदो लिखो, मुख्य बाह, या फिर वीर मनानी, क्या आंसर देंगे? तो आंसर होगा मुख्य बाह। झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या है? तो मुख्य बाह। फिर झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतंबर विश्वविद्यालय, कोलान विश्वविद्यालय? तो आंसर होगा रांची विश्वविद्यालय। झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? रांची विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, और सभी प्रश्नों को याद करते हुए जाएंगे। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय निम्न में से कौन है? तो झारखंड का जो प्रथम महाविद्यालय है वो कौन सा है? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, या फिर गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय पलामू, संत जेवियर महाविद्यालय रांची, या आनंदा महाविद्यालय? तो हम बताए थे आपको झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय का नाम क्या है? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, है ना, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय है। अगला, झारखंड राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? चिकित्सा महाविद्यालय रिंद पास रांची, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स रांची, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद, MGM चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर? तो क्या आंसर देंगे? प्रथम रिम्स वाला होगा, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स रांची में। ठीक है, ये क्या था हमारा? झारखंड राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा है? आयुर्वेद, तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चायबासा, आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज गुमला, यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह? क्या आंसर देंगे? झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा था? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, सही है, यस सर। तो झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय का नाम है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना किस
स्थान पर खोला गया था। तो तांबा कारखाना घाटशिला में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? घाटशिला में। झारखंड में प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बिजली घर। तो देखो बिजली घर जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? आंसर देंगे तिलैया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी जस्ट आपको बताए हैं बिजली घर तिलैया। फिर प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? प्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1904 ईस्वी या 1967 ईस्वी? ठीक है, बताओ प्रथम रेल मार्ग कब हुआ स्टार्ट? तो आंसर देंगे 1862 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम झारखंड में प्रथम रेल मार्ग जो चला था 1862 में। और याद रखना चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, रेल चला था 100 साल पीछे ही चल गया था 1862 में। निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग है? धनबाद से बोकारो, कलकत्ता से राजमहल, बरवाड़ी से मुरी या कोडरमा से दुमका? आंसर होगा कलकत्ता से राजमहल। उस समय बताए थे कलकत्ता बोला जाता था। झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा? झीक कता है, झीक पानी सीमेंट उद्योग, खलारी सीमेंट उद्योग, चायबासा सीमेंट, जपला सीमेंट उद्योग। जपला सीमेंट उद्योग झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका और ये अंतिम प्रश्न है। क्या कहता है? कहता है कि पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहता है अलबर टिक्का, जुएल लकड़ा, रामदयाल मुंडा या बुधू भगत? क्या आंसर देंगे इस प्रश्न का? करिए आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो जब भी ये प्रश्न आ जाए, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है, तो क्या आंसर देंगे? जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के रूप में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले झारखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? न्यायाधीश अल्तमस कबीर, न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र, न्यायाधीश एस के मुखोपाध्याय या फिर न्यायाधीश एम वाई इकबाल? क्या आंसर देंगे? तो 37 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका ये होगा न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र। नहीं, ये नहीं था, इकबाल था। हाँ, ये महिला में था। ठीक है, ये वाला जो है ये महिला में हुआ था, यहाँ महिला का चर्चा नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, ये होगा आंसर न्यायाधीश एम वाई इकबाल। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खुला था? जमशेदपुर में ना। ठीक है, तो जमशेदपुर आंसर हो जाएगा इसका, महिला डाकघर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? जमशेदपुर में। झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये क्या गया था आपका? रांची में। और हम बोले थे कि कोर्ट वगैरह जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा वो रांची वगैरह में खोला जाएगा। अगला है, क्योंकि राजधानी है, झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? सीमा सिन्हा, दुर्गा देवी, दिव्या त्रिपाठी या आशा खलको? क्या आंसर देंगे इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीमा सिन्हा। झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? सीमा सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन सा है? ईसाई मिशन कौन सा है? जेवियर मिशन, पॉल मिशन, फ्रांसीसी मिशन या गोस्नर मिशन? तो आपको हम पढ़ाए थे गोस्नर मिशन। ठीक है, तो झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन है? गोस्नर मिशन। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? तो ये कौन था बताओ? विनीता सोरेन था, सावित्री पूर्ति नहीं था, ये तो हॉकी खेली थी। सीमा सोरेन, अरुणिमा लकड़ा या फिर विनीता सोरेन? तो
आंसर देंगे विनीता सोरेन। ठीक है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? विनीता सोरेन जी है। ये आपका रहा उत्तर। और हमारा पहला यानी कि झारखंड में प्रथम से रिलेटेड जितना भी प्रश्न हो सकता था 47-48 मिनट में पूरा कवर कर लिए, थ्योरी भी पढ़ लिए, सिलेबस भी पढ़े जाने पहले उसके पहले कि झारखंड की क्या क्या सिलेबस है और ए टू जेड पढ़ा दिए। कैसा लगा यह सेशन आप हमको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें ताकि हम आप लोग को इसी तरह से एनर्जेटिक ढंग से पढ़ा सकें। दूसरी बात है, हमारा सफलता तक ऑफिशियल एक ऐप है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप उस ऐप के माध्यम से भी हमारी सारी क्लासेस को एक और से सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसके दूसरे चैप्टर को लेकर। जय हिंद, जय भारत।